करके म्युनिसिपैलिटी का बजट पिछले पांच साल में 750 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जैसा देश के अंदर की परिस्थिति है कि 2 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से पैसा निकालना पड़ा है सरकार चलाने के लिए, मीरा भयंदर महानगर पालिका उससे बची भी नहीं है। 750 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है और इसीलिए पानी का टैक्स आप पे डबल किया गया, इसीलिए हाउस टैक्स आप पे डबल किया गया, इसीलिए आपके ऊपर गार्बेज का टैक्स लगाया गया। ये शहर में का आम चर्चा है, हर आदमी इस बात की चर्चा करता है कि कोई भी टेंडर हो तो उसमें भ्रष्टाचार के लिए 25% का कमीशन देना पड़ता है। यह हाल इस शहर में पहले कभी नहीं था। मैं पहले भी आमदार रह चुका हूं, इस शहर को रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मैं आपसे भी और उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में इस शहर में ऐसा कोई काम बताइए जो आपने किया हो। आपने जो गार्डन प्लेग्राउंड हम लोगों ने रिजर्वेशन में कंप्लीट कराया था, मैंने अपने निधि से वो ठाकरे मैदान की पूरी जो कंपाउंड है, फेंस लगी हुई है, मैं आमदार जब 2004 से 2010 में था मेरे निधि से किया गया। ऐसे कई काम आपको शहर में दिखेंगे जो हमने अपने पर्सनल फंड से किया, एमएलसी के फंड से किया और महानगर पालिका के माध्यम से किया। इस शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आपके पीछे ही एसटीपी की टैंक है, उसमें 3 कर्मचारी गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। 5 साल से इस शहर का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार पड़ा है मगर कॉन्ट्रैक्ट कौन लेगा उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार पड़ा है, क्या ये शहर की जरूरत नहीं है? स्वच्छ भारत का टैक्स आपसे लिया जाता है, देते हैं कि नहीं देते आप लोग? स्वच्छ भारत का टैक्स देते हो या नहीं देते हो? टैक्स आपसे लिया जा रहा है मगर एसटीपी सेवरेट ट्रीटमेंट प्लांट आज भी शहर में चालू नहीं है। आपके बिल्डिंग से निकल रहा ड्रेनेज का पानी जब बरसात में पानी भरता है तो उस पानी के साथ में वो पानी रास्ते पे रहता है जिसमें लोग जाते हैं, चल के जाते हैं तो उसे बीमार पड़ते हैं। कोई काम पिछले 5 सालों में इस शहर में नहीं हुआ। अभी चुनाव लग रहा है, अभी मुख्यमंत्री साहब फिर से आएंगे, 5 तारीख से लेकर 10 या 15 के बीच में वो आएंगे। शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगेगी कि हमने पुलिस आयुक्तालय मीरा भयंदर के लिए बना दिया। वो क्या बोलेंगे मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, मैं भी आजकल पंडित बन गया हूं, भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। हाँ, क्योंकि 5 साल में जब जब मुख्यमंत्री साहब आए हैं जो बोला है वो हुआ नहीं है। उन्होंने कहा था कि 2019 तक हम इस शहर में मेट्रो चालू कर देंगे। कितने लोगों ने इस भाषण को सुना था, पेपर में पढ़ा था, हाथ पर उठाइए। तो अभी 2019 हो गया है, अभी वो आएंगे और वो मेट्रो की ट्रेन हाथ में लेकर आएंगे। मेट्रो की ट्रेन हाथ में लाएंगे और आपको बोलेंगे देखो मैंने बोला था ट्रेन चालू हो गई, टेबल पे चालू करके दिखाएंगे। फिर ये बोलेंगे मैंने ये थोड़ी बोला था कि बाहर चालू होगी, मैंने कहा था मेट्रो चालू हो जाएगी, ये देखो चालू होगी।